Hello everyone, welcome to the session today. So today we are going to talk something about higher education questions. So आज हम higher education question जो कि paper 1 का एक बहुत ही ज़्यादा important topic है उसके बारे में बात करने वाले हैं. बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें. अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि हायर एजुकेशन में कुछ पुराने सालों में पॉलिटी के क्वेश्चंस आया करते थे, बट कुछ रीसेंट अटेम्प्ट से जब से पैटर्न में चेंज आ गया है, नए सिलेबस एड ऑन हुआ है जिसके अंदर करंट ही नहीं बल्कि स्टैटिक के भी काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे हैं, जैसे कि वैल्यू एजुकेशन, एंशियंट एजुकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन. सो इस टाइप के टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सिर्फ जनरल करंट अफेयर्स से अपने आप को ब्रश अप नहीं करें, बल्कि जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं जैसे फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ जो कुछ सेटअप हुई हैं, किस तरीके से एजुकेशन का इवोल्यूशन हुआ है, क्या पर्पसेस हैं, कैसे कैसे मैंडेटरी चेंजेस आए, किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई, हमें इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो मैं आपसे यही कहूँगा कि फॉर द जनरल टॉपिक आप न्यूज़पेपर को कंटिन्यूसली ब्रश अप करते रहिए ताकि जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, जैसे लास्ट ईयर रैंकिंग्स पे क्वेश्चन आया था, NIRF रैंकिंग हो गई, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो गई, इन सब रैंकिंग्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं. और साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शंस है वो भी आप किसी अच्छी बुक जैसे आप अरिहंत की बुक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करके यहाँ से भी रेगुलर क्वेश्चंस के थ्रू अपडेट्स ले सकते हैं. सो इस तरीके से अगर आप हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस को तैयार करेंगे सो आप बहुत इजीली इस यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे. सो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं उनको देखते हैं. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली डिजाइन यूनिवर्सिटी सेटअप बाय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन ओपनड इट्स कैंपस एट डैश. सो बहुत ईजी क्वेश्चन है बट स्टेटिक रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंडिया की फर्स्ट डिजाइन यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन ने ओपन करी थी वो कहाँ पे ओपन करी थी. सो इट इज रिलेटेड टू अ स्टेटिक क्वेश्चन है जो कि प्लेस से रिलेटेड है. सो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में. सो एक बार ऑप्शंस देखते हैं. सोनीपत हरियाणा, कानपुर यूपी, मुंबई महाराष्ट्र और इज इट डी दिल्ली. अब अगर आपने इसके बारे में नहीं भी पढ़ा हो लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्टैटिक के पोर्शन में जाएंगे और जैसे कि हमें फर्स्ट डिज़ाइन यूनिवर्सिटीज़ हो गई, फर्स्ट अदर यूनिवर्सिटीज़ होंगे, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इन द ईयर ऑफ 2017 दैट इज़ प्रोबेबली इन दिसंबर 2017 सोनीपत हरियाणा में ये फर्स्ट डिज़ाइन यूनिवर्सिटी खुली थी और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में अलॉन्ग विथ अदर प्लेसेस पे काफ़ी ज़्यादा आ रही थी. सो आप देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, दैट इज़ सोनीपत हरियाणा. सो आप देख रहे हैं कि काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चंस आने की उम्मीद है. सो आप स्टैटिक के साथ साथ जनरल पोर्शन भी काफ़ी अच्छे से ब्रश अप कर लें. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which institution has been constituted as a non-bank finance company to raise money from the market to fund education infrastructure and research requirements of state-funded educational institution? काफ़ी लंबा क्वेश्चन है बट काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया है एज अ नॉन बैंक फाइनेंसिंग कंपनी जो फंड्स रेज करेगा मार्केट से ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर सके ऑफ स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सो ये भी रिसेंटली न्यूज़ में ही था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस चीज़ के बारे में भी. इसके बारे में भी कंटिन्यूसली न्यूज़ आती रहती है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसके लिए बहुत अच्छी फैकल्टीज़ और बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. सो एक इंस्टीट्यूशन खोला गया जो फंड्स रेज करे मार्केट से एंड साथ ही साथ फाइनेंस करे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ताकि ये अच्छे से रिसर्च पर्पसेस कर सकें और ग्लोबल लेवल पे हमारे इंडिया के रैंकिंग्स इंप्रूव हो सके. सो अगेन इस इंस्टीट्यूशन को भी 2017 में लाया गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो इट हैज़ कम इन मे 2017. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेफा, दैट इज़ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी. यहाँ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो एजेंसी है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था MHRD दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैनरा बैंक का, जिसके अंदर जो इनका स्टेक था वो था 91% इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड 9% रिस्पेक्टिवली. सो ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन किसी और फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए कि ये किन दो यूनिवर्सिटीज़ का या किन दो बैंक्स का या किन दो इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं जिनका जॉइंट वेंचर था. तो आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हेफा एजेंसी थी एंड MHRD एंड कैनरा बैंक का ये जॉइंट इनिशिएटिव था.
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विच एजेंसी फॉर एजुकेशनल टेस्टिंग अंडर द इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. अब यहाँ पे भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैबिनेट ने कौन सी एजेंसी का को अप्रूवल दिया है टू बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट फॉर एजुकेशनल टेस्टिंग. अब थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर उन टाइप की सोसाइटीज़ को हम रजिस्टर कर सकते हैं जो किसी लिटरली एकेडमिक या फिर रिलीजियस चीज़ों को प्रमोट करता है. ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट सोसाइटीज़ होती हैं और इनमें आप रजिस्टर करा के जो भी अपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी अपनी सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट करना है या जिस भी पर्पज़ के लिए आप एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, बट वो एक प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी या फिर इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए. सो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी एजुकेशनल टेस्टिंग एजेंसी खोली गई थी. अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और हम नेट जेआरएफ की बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो दिसंबर 18 में एक नई एजेंसी बनाई गई थी जिसको टेस्टिंग का काम दे दिया गया था. थोड़ा सा मैं आपको याद करा दूं कि दिसंबर 2018 से पहले जो हमारा नेट का एग्जाम होता था वो सीबीएसई कंडक्ट कराता था, बट फ्रॉम दिसंबर 2018 एक नई एजेंसी बना दी गई है, दैट इज NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. और इस स्पेशलाइज बॉडी को ये काम दिया गया है कि ये सारे टेस्टिंग्स, जितनी भी एंट्रेंसेस एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं या अलग अलग एजुकेशनल से रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो NTA कंडक्ट कराएगा. सो यही हमारा आंसर है. सो यहाँ पे जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. सो यही मैं आपको तब से समझा रहा हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चंस करंट से भी पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक क्वेश्चंस जो होंगे वो कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स या पॉलिसीज या प्रोग्राम से भी पूछे जा सकते हैं. सो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं करने, रैदर आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी है जो सिलेबस में आपके, उसको भी आपको साथ साथ तैयार करते रहना है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which IIT, that is Indian Institute of Technology Institute, has started Vastu Shastra classes for architecture students. So, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी ज़्यादा नए courses आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नए नए development हो रही है ताकि हम जो versatility है हमारे students की उसको और ज़्यादा enrich कर सकें. तो recently में बहुत ज़्यादा time नहीं हुआ है, maybe 1 or 2 years से पहले एक IIT इंस्टीट्यूट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जहां पे वो वास्तु शास्त्र से रिलेटेड क्लासेस को उन्होंने शुरू किया था आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को सिखाना. सो मैं थोड़ी सी आपके इस बारे में जानकारी दे देता हूं. 2017 में ये इनिशिएटिव लिया था और ये इनिशिएटिव लिया था IIT खड़गपुर ने. सो हमारा जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज IIT खड़गपुर. सो आप देख रहे हैं कि ये भी एक स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है बट ज़्यादा पुराना नहीं है, दैट इज 2017 में आया था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. विच यूनिवर्सिटी टेलीकास्ट्स इट्स ओन रेडियो एंड टेलीविजन एज एन एजुकेशनल चैनल. सो इनमें से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ज्यादा से ज्यादा रेडियो एंड ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू टेलीविजन के चैनल्स को चला रही है. सो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, थोड़ा सा भी आप रिकॉल करना चाहें कि इसके बारे में हम रेगुलरली न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि एक बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका पर्पस ये है कि आप घर बैठे भी चैनल्स को देखकर, वीडियो को सुनकर और लेक्चर्स देखकर अपनी पढ़ाई और कोर्सेज को कंप्लीट कर सकें. सो एक बार आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं. इज इट ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, इज इट इग्नू, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इज इट कानपुर यूनिवर्सिटी और इज इट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. तो यहाँ मैं बता दूं कि जो क्लियर कट आंसर है वो है बी, दैट इज इग्नू. सो इग्नू ने दो चैनल्स अपने चलाए हुए हैं. एक चैनल का नाम है ज्ञान दर्शन, जो कि दर्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक टेलीविजन चैनल है. और जो दूसरा चैनल है वो है ज्ञान वाणी, जो कि एक रेडियो चैनल है. सो ये दो चैनल्स हैं इग्नू के. आप रेगुलरली इन दो चैनल्स पर विजिट करके इन दो को सुन और देख कर अपने कोर्सेज के बारे में एजुकेशनल जानकारी ले सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं. इसमें काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती हैं एंड काम की चीज़ें बताई जाती हैं. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज इग्नू. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. आई होप कि ये जो हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिल सकते हैं. सो आप कंटिन्यूअसली ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस ऐसी ही प्रैक्टिस करने के लिए मिलती रहे. मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है जिसके अंदर हम रेगुलरली PDF मटीरियल, क्विजेज एज वेल एज वीडियोज अपडेट करते रहते हैं. तो आप चाहते हैं कि आपको ये सब रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.